हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके गोल्ड रेसिपीज़। आज हम सीखने वाले एक ऐसा स्नैक जो देखने में बहुत सुंदर है और साथ ही साथ इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा है, और इसका नाम है बर्ड्स नेस्ट। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इन ब्यूटीफुल नेस्ट्स को बनाने के लिए हम लेंगे 5 से 6 बॉइल्ड आलू, ग्रेटेड पनीर 150 ग्राम, ये हमने लिए बारीक वाली सेवैयाँ, ये बाजार में आपको आसानी से मिल जाती है। एक लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 ब्रेड जिसकी हमने किनारियां अलग कर ली है, 50 ग्राम मैदा ले लेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, थोड़े से हरा धनिया की बिना कटी हुई पत्तियां ले लेंगे, ये हम गार्निशिंग में यूज करेंगे, 2 हरी मिर्च बारीक कट की हुई, नमक लेंगे स्वाद के हिसाब से, 1/2 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ले लेंगे काली मिर्च पाउडर, तेल ले लेंगे हम जरूरत के अनुसार। तो ये हो गई हमारी तैयारी बर्ड्स नेस्ट बनाने की। अब हम शुरू करते हैं इन्हें बनाना। सबसे पहले उबले हुए आलूओं को इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। इन्हें रख देंगे एक तरफ। अब हम ब्रेड का चूरा तैयार करेंगे हाथ से इस तरह से मसलते हुए। फ्रेंड्स, इसके लिए 1-2 दिन पुरानी ब्रेड लेंगे तो हमें इसे चूरने में आसानी रहेगी। तो ये हो गया हमारा तैयार ब्रेड का चूरा। अब एक बड़े बर्तन में ग्रेटेड आलू डालेंगे, इसमें मिला देंगे ब्रेड का चूरा और मिलाएंगे थोड़ा सा पनीर। थोड़ा पनीर हम बचा लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक और लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। अब एक बाउल में हल्का सा तेल डालकर इस पर इस तरह से लगा देंगे। ये हमारे आलू का मसाला तैयार है। अब तैयार करते हैं मैदा का घोल। एक बाउल में मैदा ले लिए, इसमें ऐड करेंगे 1-2 चुटकी नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करेंगे। देखिए, ये पतला सा मैदा का घोल तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है। ध्यान रहे, इसे 2-3 बार पानी डालते हुए ही तैयार करेंगे, अदरवाइज इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अब हाथ पर हल्का सा तेल लगाकर नींबू के साइज से थोड़े बड़े आलू मसाला के बॉल्स तैयार करेंगे। और एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये हो गए हमारे सभी बॉल्स तैयार। अब एक बॉल को मैदा के घोल में डिप करेंगे और अब इसके सब तरफ सेवैयां या नूडल्स लगा देंगे। फ्रेंड्स, मेक श्योर कि सेवैयां सब तरफ अच्छी तरह से लग जाए। अब थंब से इसे बीच में से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। देखिए, ये देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। इसी तरह से सभी आलू मसाला बॉल से नेस्ट बनाते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये तैयार हो गए हैं हमारे सभी नेस्ट्स। वैसे तो हम इसे हाथों हाथ भी तल सकते हैं, पर इन्हें अगर 10 मिनट फ्रीजर में रखकर तले तो और भी अच्छा रहेगा। तो इन्हें रख देते हैं अब फ्रीजर में। इस बीच में हम तैयार कर लेते हैं हमारे पनीर रोल्स। इसके लिए लेंगे हम ग्रेटेड पनीर और उसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स, स्वाद के हिसाब से नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। इन्हें हम अच्छी तरह से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। इसका फॉर्म हम एकदम से स्मूथ रखेंगे। देखिए, इसका फॉर्म एकदम स्मूथ सा हो गया है। अब इसके एकदम छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे और इन्हें रख देंगे एक तरफ। फ्रेंड्स, अब रखेंगे हम तेल की कढ़ाई गैस पर और हाई फ्लेम पर गरम करेंगे। ये तेल हो चुका है अच्छी तरह से गरम। अब कर देते हैं हम फ्लेम लो। बर्ड्स नेस्ट जो हमने फ्रीजर में रखे थे उन्हें निकालकर इसमें तलने के लिए डालेंगे। ध्यान रहे, एक बार में हम 4 से 5 नेस्ट ही डालेंगे।
शुरू में इन्हें 2 से 3 मिनट तक बिना पलटे ही फ्राई करेंगे और अब हल्का सा ब्राउन होने पर इन्हें पलट कर तलेंगे। देखिए ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है और गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे। इसी तरह से सारे नेस्ट तल लेंगे। अब बारी है इसकी प्लेटिंग करने की। बर्ड नेस्ट पर पहले हरा धनिया की पत्ती रखेंगे और रखते जाएंगे पनीर वाले एग्स। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट बर्ड नेस्ट बनकर तैयार है। इन्हें हरी चटनी और टमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स से इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी ऐसी ही और रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।